हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एडवाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाई सेल इंडिकेटर के बारे में, जिसका विन रेट 70% के ऊपर का है, जिसको मैंने पर्सनली चेक किया हुआ है। लेकिन अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। ओके, अभी हम बात करते हैं अपने स्ट्रेटेजी के बारे में। इस स्ट्रेटेजी को बैंक निफ्टी के चार्ट पे चेक करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे चेक करेंगे इसको। इस स्ट्रेटेजी के लिए अपने कैंडल को नॉर्मल कैंडल से हाई के राशि कैंडलस्टिक पैटर्न पे करना होगा। ओके, अभी अपने पहले इंडिकेटर को ऐड करते हैं, इसका नाम है चैंडेलियर एग्जिट। अभी इसको हम देख रहे हैं, जैसे इसमें बहुत सारे फेक सिग्नल्स दिख रहे हैं, हमें इनएक्यूरेट है। अभी हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। हम लोग इसके एटीआर पीरियड को 22 से 1 कर लेंगे, एटीआर मल्टीप्लायर को 3 से 2 कर लेंगे। और अभी इसके स्टाइल सेक्शन में जाएंगे, इनमें से कुछ ऑप्शंस को डिसेलेक्ट करेंगे लाइक इसको, और यहाँ से एब्सोल्यूट से जाके हम लोग बिलो बार कर देंगे और सेल लेवल में एब्सोल्यूट में जाके एबव बार कर देंगे। अभी हमारा इंडिकेटर सही है, अभी हम लोग सही एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स मिल रहे हैं। लाइक यहाँ पे बाई मिला, यहाँ इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेल मिला, फिर नीचे। लेकिन अभी इसको हम लोग और भी सही कर लेते हैं, जिसके लिए हमें एक इंडिकेटर को और भी ऐड करना होगा। हम लोग का दूसरा इंडिकेटर होगा ZLSMA 0 लैग मूविंग एवरेज, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और इसके भी सेटिंग्स को चेंज करते हैं। वहाँ पे इंडिकेटर टाइम फ्रेम में जाके चार्ट पे कर देंगे, लेंथ को 50 कर लेंगे। अभी हमारा इंडिकेटर तैयार है। अभी हम बात करते हैं कि हमें ट्रेडिंग कैसे करना है, कब एंट्री कब एग्जिट करना है। हमें इंटर तभी करना है जब ही हमें बाय सिग्नल या पैसे फ्लैश हो चैंडेलियर एग्जिट पे, और दूसरा कंडीशन होगा कि इस मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन हो, तो हमें बाय लॉन्ग करना है या फिर हमें बाय करना है। हमें लाइक यहाँ पे ऐसे बाय दिया, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है इस टाइम प्राइस एक्शन, हम लोग इस कैंडल पे लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और हमारा टेक प्रॉफिट होगा 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, या फिर सिंपली जब दूसरा कैंडल सेल का फ्लैश हो, बाय के बाद अगर सेल का सिग्नल फ्लैश हो लाइक यहाँ पे हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे भी अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। अगर हम लोग सेफ और प्ले करना चाहते हैं, हम लोग अपने टारगेट को 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे कर सकते हैं। ऐसे ही सेल के लिए बात कर लेते हैं। पहला तो हमें सेल फ्लैश होना चाहिए चैंडेलियर एग्जिट इंडिकेटर पे, और प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग हाई पे, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ऐसे ही कुछ और पोजीशंस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेल फ्लैश हुआ है चैंडेलियर एग्जिट पे, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन है, वो यहाँ पे शॉर्ट प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग है, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे बाय सिग्नल फ्लैश हुआ है, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन चल रहा है, वो यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड करेंगे, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ऐसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, यहाँ पे बाय सिग्नल फ्लैश हुआ, यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे सेल फ्लैश हुआ, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन है, आप लोग इसके क्लोजिंग पे भी ले सकते हैं अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे अगर इसके मूविंग एवरेज के नीचे पूरा क्लोजिंग हो, तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड करेंगे, यहाँ पे रिसेंट सिंग हाई, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। ऐसे हम यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे सेल पोजीशन फ्लैश हुआ चैंडेलियर एग्जिट पे, और मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस एक्शन चल रहा है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस रिसेंट सिंग हाई, टेक प्रॉफिट 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाय पोजीशन चैंडेलियर एग्जिट पे, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन, हम लोग यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करेंगे, ओके ट्रेडर्स, आई होप यू गाइज लव दिस बाय सेल इंडिकेटर स्ट्रेटेजी। इफ यू वॉन्ट मोर स्ट्रेटेजी विथ हाई विन रेट, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।